सोचो आप पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी को रिफ्यूल करवाने जाते हो और वहाँ पे क्या होता है, वो भाई साहब पेट्रोल की जगह गलती से डीजल डाल देते हैं। अब या तो वहाँ खड़े होकर भैंस कर लो, वरना इस वीडियो को देखो जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे 3 पॉइंट्स जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो सिनेरियो 1 जो है, इसमें आपको रियलाइज हुआ है कि आप गलत फ्यूल डलवा रहे हो। अगर दूसरा फ्यूल 5% या उससे कम डले तो आप उसको इमीडिएटली स्टॉप करवा के बिना किसी टेंशन के अपना रेगुलर फ्यूल डलवा सकते हो। तो सिनेरियो 2 में क्या होता है, इसमें आपने अपनी गाड़ी को पूरा फिलअप करवा लिया पर आपने अभी तक उसको स्टार्ट नहीं करा। और गलती से स्टार्ट कर भी मत देना वरना इंजन तो मारा जाएगा, फिर मोटे ही खर्चे हैं। इसमें बेस्ट क्या रहेगा कि आप अपनी गाड़ी को टो करवा के या धक्का मार के किसी वर्कशॉप या मैकेनिक तक ले जाओ जिससे वो सारा फ्यूल ड्रेन कर सके और बस उसके बाद आप अपना रेगुलर फ्यूल डलवा सकते हो। अब सिनेरियो 3 में क्या होता है, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो माना जाता है, इसमें आप अपनी गाड़ी में गलत फ्यूल डलवा के थोड़ा ड्राइव कर चुके हो, भगवान भरोसे थोड़ी तो आपकी गाड़ी चल चुकी है और आप लकी हो कि अभी तक वो रुकी नहीं। अब चुपचाप अपनी गाड़ी को बंद करके अपनी गलती को रियलाइज करो और उसको किसी वर्कशॉप तक ले जाओ और मोटे खर्चे के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो फ्यूल आपकी गाड़ी के इंजन में फैल चुका है।